बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको हम बात कर लेंगे वीज़ों के मुतालिक। वीज़े जो स्टैंप नहीं हो रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त, आपको पता है, और ई नंबर का इशू चल रहा है। इसके अलावा अगर किसी बंदे का ई नंबर नहीं गया तो उसका वीज़ा एम्बेसी से वापस आ रहा है। यार ये सबके साथ नहीं हो रहा है, इसमें बहुत से भाइयों के, यानी कि मुसस्सा कंपनीज के लग भी रहे हैं, जो मुसस्से और कंपनीज वगैरह के वीज़े हैं। उसके अलावा जो बड़े महीने हैं वो भी लग रहे हैं, यानी कि आम्बल, सायक, शाहना, सायक अमोमी एंड कुछ और महीने इससे रिलेटेड, जो बड़े महीने हैं जिनका इकामा 9600 यानी कि 10000 रियाल में लगता है, उनके लग भी रहे हैं, वो सफ़र भी कर रहे हैं। और कुछ महीने यानी कि सायखास, आमल मंजली, आमला मंजलिया एंड आमल तदबीर, मुबानियामा वगैरह वाले ऐसे कुछ महीने हैं जी जिनका कुछ इशू चल रहा है, तो उनके में ये मसला यानी कि है, उनके ई नंबर निकल नहीं रहे हैं। किसी का ई नंबर निकल रहा है तो वीज़ा स्टैंप नहीं हो रहा है। तो कल एम्बेसी ओपन हो चुकी है, आज दूसरा दिन एम्बेसी को ओपन हुए पाकिस्तान में। पता आपको पता है ईद का वीकेंड चल रहा था तो छुट्टी चल रही थी यानी कि, तो अभी एम्बेसी ओपन हो चुकी है। आने वाले मुझे उम्मीद है जी 5-7-10 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट निकलना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि भाई सऊदी अरबिया ने वीज़े क्यों निकाले अगर ये स्टैंप ही नहीं होने थे? वीज़े निकले इसलिए थे, बेफिक्र रखे, अगर खुदा न खवास्ता ये मसला ऐसा कुछ बना तो फिर वकाला में महना बदतर, यानी कि आपको अपना महना जैसे साय खास है तो उसे साय सारा खास, आमल मंजरी है तो आमल तदबीर मंजरी करवाना पड़ जाएगा। बस इतना होगा, बाकी इंशाल्लाह ताला वीज़े ज़ाया नहीं होंगे, ऐसा कुछ मसला नहीं बनेगा। बहरहाल इस वीडियो में आपको एक चीज़ साथ में दिखा देता हूँ मैं, और भाइयों को मैं मुख्तलिफ वीडियो इसके मुतालिक बता भी चुका हूँ। देखें वो तमाम दोस्त अखबाब जो फर्स्ट टाइम सऊदी अरबिया का वीज़ा ले रहे हैं यानी कि पहली दफ़ा ले रहे हैं, वो उनके लिए इतनी कारामद वीडियो नहीं है, वो देख लें। हाँ आने वाले वक्त में उनके लिए काम आ सकती है ये बात। हाँ जो पहले सऊदी अरबिया में रह के आ चुके हैं, चाहे किसी भी सूरत में सऊदी अरबिया से वापस आए हैं, चाहे लीगल क्रूज लगवा कर ही क्यों नहीं आए हैं आप, चाहे आप सफारत से आए हैं, चाहे आपका हरूप था, आप आउट पास बनाकर आए हैं, चाहे आप भाई किसी एजेंट को पैसे देकर शूटर को पकड़ाई दी और 5-7 दिन 10 दिन 15 दिन जेल में गुजारे और पाकिस्तान में आ गए, या आपको शूटरों ने पकड़ लिया, डीपोर्ट कर दिया, या किसी भी सूरत में आप पाकिस्तान में आए हैं, तो ये उस सूरत में होता क्या है, अक्सर मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में इसी का जिक्र करता हूँ कि आप जब वीज़ा लेते हैं तो उससे पहले कौन सा काम कर लें। मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक चीज़ आपको पहले दिखा रहा हूँ, मैं इसमें देख ली मरहल लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है जमाती और आखिर, और आगे 1447 लिखा हुआ है। अच्छा उस बंदे ने एक चार चार सीधा लिखा जैसे कि हम लिखते हैं उर्दू में, और जो 7 है वो अरबी में लिख दिया है, तो 1447 लिखा हुआ है जमाती अल आखिर, ठीक है जी। वो फर्स्ट टाइम हुआ है जी ऐसा, मैंने किसी मरहल सिंपल लिख के आता है, शायद मैं आपको एक आध पिक्चर और दिखा रहा हूँ इस तरफ या इस तरफ साथ में, पासपोर्ट के ऊपर या किसी पेपर के वगैरह मेडिकल वगैरह के ऊपर मरहल सिंपल लिख कर भेजते हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि नीचे इनके कुछ डेट वगैरह भी लिखी हुई है। ये हुआ क्यों भाई? देखें ये आप छुट्टी आए वापस नहीं जा सके, ये जो मसले पहले आपको बता चुका हूँ मैं, आप सऊदी अरब में रह के आए और दोबारा किसी भी सूरत में पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश में कहीं भी आए हुए हैं, तो आप दोबारा वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो मरहल लिख के आ गया। भाई देखें आपने जब दोबारा वीज़ा लेना है ना, तो व्हाट्सअप नंबर भी आपको यहाँ पर अपना दिखा देता हूँ मैं, आपने जब दोबारा वीज़ा लेना उससे पहले आपने अपना सफरी मामला वाला पेपर जरूर चेक करवा लेना है, यानी कि खुदा न खवास्ता आपके ऊपर सफरी मामला को लेकर तो कोई मुश्किल नहीं है, यानी कि ये जो पेपर साथ में आपके साथ मैं एक आध पिक्चर दिखा रहा हूँ इसे बोलते हैं मतार पेपर, मरहल पेपर भी बोला जाता है, आपने ये जरूर निकलवाना है, इससे आपका जो सफरी रिकॉर्ड होगा ना वो क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपके ऊपर अभी कोई पाबंदी है ये खत्म हो चुकी या मुमकिन कब तक खत्म होगी। और जिस बंदे से आपने निकलवाना है व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा रहा हूँ मैं, आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं किसी भी मसले की सूरत में। बाकी आपने जिस किसी भी बंदे से ये निकलवाना है ना, ये मेरी बात पल्ले बांध लीजिएगा, क्योंकि भाई बाहर से निकलवाते हैं कुछ और बाद में मुझे पेपर भेज कर पूछते हैं, तो भाई आपने उससे पूरी डिटेल पूछनी है साथ में कि भाई आ तू पेपर मेरा निकलवा रहा है, साथ में मुझे पूरी डिटेल चाहिए कि मेरे ऊपर पाबंदी है या नहीं है, या मुमकिन मैं कब तक जा सकता हूँ, ये पूरी तफसील साथ में उस बंदे से पूछनी जब आपने पेपर निकलवाना है, ठीक है जी। तो ये पेपर जरूर निकलवाइए, उसके अलावा खरूज वाला पेपर, जो बंदे लीगल खरूज लगवा कर आते हैं वो अपना खरूज वाला पेपर जरूर निकलवाएं, और जब वीजा लगने भेजें तो साथ में खरूज वाला पेपर जरूर भेजें, तभी वीजा स्टैंप होगा। बाकी भाई अपना सफरी मामला वाला पेपर चेक करवा लें, आपको सिंपल पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा हाँ मैं सफर कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ या क्या सूरत हाल है।